बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये कन्वर्जन सिस्टम में थोड़ी तकलीफ होती है, कि मतलब कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है, ऑक्टल टू डेसिमल है, फिर उसके बाद उन्हें कई सारे फार्मूला है वो भी याद करने पड़ते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो कॉन्सेप्ट होगा फुल्ली अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इस कंप्लीट वीडियो में मेरे ख्याल से 30 to 40 मिनट्स लगेगा। मेरे ख्याल से आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा पूरा क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, जो टोटल नंबर सिस्टम हमें पढ़ने हैं वो चार हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा बाइनरी, देन सेकेंड है डेसिमल, एंड थर्ड है ऑक्टल, एंड फोर्थ है हेक्सा डेसिमल। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें बस दो ही डिजिट हैं, 0 एंड 1। जो डेसिमल है ये वो नंबर सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इसमें टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, देन ऑक्टल। ऑक्टल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं 8 हैं और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एंड देन उसके बाद जो है 10 से लेकर 15 तक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं A, B, C, D, E, F। यानी जो 10 होगा उसके लिए A यूज़ करेंगे, B के लिए 11, C के लिए 12, 13, 14, 15। तो ये हेक्साडेसिमल हो गया। और ये जो बाइनरी है इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 2 है। तो इसके जो लिए जो बेस हम यूज़ करते हैं 2 यूज़ करते हैं। ये जो डेसिमल है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है, इसलिए हम यहाँ पे बेस 10 यूज़ करते हैं। ऑक्टल है तो इसके लिए बेस 8 यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल है तो इसके लिए हम हेक्साडेसिमल 16 यूज़ करते हैं, बेस 16 यूज़ करते हैं। कई बार मतलब कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे कभी कभार टीचर हो गया, चाहे वाइवा में जनरली ये ऐसा होता है कि वो ये नंबर दे देंगे 3, 8, 9 और बोलेंगे कि ये ऑक्टल में है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, या फिर 3, 7, 8 है ये ऑक्टल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो ये जनरली ट्रिकी क्वेश्चन होता है, पर सबसे पहले आपको ये देखो कि वो जो नंबर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी कि इसमें 8 आ गया तो ये ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता, ये या इधर डेसिमल ही हो सकता है या हेक्साडेसिमल, क्योंकि जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसमें 7 तक ही हो सकता है। यानी कि ये नंबर ऑक्टल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेम केस इसके साथ भी है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा था। ओके, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करने हैं। तो उसका बस एक सिंपल सा तरीका है कि उसका जो भी हमारा टारगेट नंबर सिस्टम है उसके बेस से हमें डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ओके, सो बस सिंपल सा एक ही रूल है कि हमें जो भी टारगेट नंबर सिस्टम है उसके बेस से डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 34, इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारा टारगेट नंबर सिस्टम बाइनरी है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, अगर यही 34 को अगर हमें ऑक्टल में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर यही 34 है, अगर इसको हमें हेक्साडेसिमल में करना है तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अभी पहले मैं सबसे पहले 2 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 2 into 17। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 into 2 34, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये जो नंबर है, ये जो इसका बेस नंबर सिस्टम है, इससे ये जो नंबर है छोटा आ जाए, और फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 2 into 8 16, रिमाइंडर कितना आएगा 1, एंड देन 2 into 4 8, रिमाइंडर 0। देन फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 into 2 is 4, रिमाइंडर 0। देन अगेन 2 से 2 into 1 2, रिमाइंडर इज 0। अब ये जो नंबर है ये क्या, इस जो हम डिवाइड कर रहे जो भी बेस नंबर सिस्टम है इससे ये छोटा हो गया, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे और ये जो नंबर आया हम इसको यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो यानी 1 और 000 एंड देन 10, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 into 4 32 plus 3 35 आ गया। अब ये क्या आ गया, 4 ऑलरेडी 8 से छोटा है, इसके जिससे हम डिवाइड कर रहे थे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये 43 ऑक्टल में हो गया और ये बाइनरी में हो गया और ये हेक्साडेसिमल है, तो इसको हम क्या करेंगे, 16 into 2 कितना हो गया, 32, और रिमाइंडर कितना आएगा, 2। देन अगेन ये भी
स्मॉल हो गया, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसका ये हो जाएगा 2 2, ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल में। तो ये इतना सिंपल है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल कराता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया था, 8 × 4 = 32 + 2 होना चाहिए ना कि 3, यहाँ पे 2, यानी कि तो ये हो जाएगा 2। एक दूसरा नंबर लेते हैं, ये 78, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 39 × 2 = 78, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करेंगे 19 × 2 = 38, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, देन 2 × 9 = 18 + 1 = 19 हो जाएगा, देन 2 × 4 = 1 हो जाएगा, देन 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, देन 2 से करेंगे 2 × 2, देन रिमाइंडर 0। तो ये हो गया 100 100 1110 1110 बाइनरी में 1 2 4 8 2 4 8 2 4 6 14 एंड देन 16 32 64 + 14 78। ओके, सही है। देन इसी को अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 9 = 72, 6 आ गया रिमाइंडर, देन 8 × 1 = 8 1, यानी कि 116। तो इस यानी कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यहाँ पे भी जो आया था इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी 116, यहाँ पे 8, देन इसको आप डिवाइड करेंगे 16 से ताकि एग्जैक्ट ऐसे में कन्वर्ट कर सकें हम, 16 × 4 = 64 + 14, ओके, एंड देन 4 × 14, ओके 4 14, तो 14 को आप क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, ई लिखते हैं, ओके, तो 4e, तो यहाँ पे आ जाएगा 4e एंड देन 16 16 + 64, 16e हो गया 14 एंड 16 × 4 = 64 + 14 हमारा 78 हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं 88, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 88 तो 2 से ये आ जाएगा 44, देन 2 यहाँ पे रिमाइंडर 0, 2 × 22 = 44, रिमाइंडर 0, एंड देन 2 × 11 = 22, देन 0, एंड देन 2 × 5 = 10, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, देन 2 × 2 = 4 एंड रिमाइंडर 1 हो जाएगा, एंड देन अगेन 2 से 2 × 1, तो हमारा 2 × 1 तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा ये नंबर आ गया 1011 1011 0 0 0, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। जितने सारे रिमाइंडर आते हैं ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, देन ये हमारा नंबर कौन सा था 88, एंड देन 88 को इतने से कन्वर्ट करेंगे 8 से, ऑक्टल में करना है तो 8 × 11 = 88, रिमाइंडर 0, देन 8 से करेंगे तो 8 × 1, देन रिमाइंडर 3, एंड देन ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी स्मॉल आ गया तो 1 3 एंड देन 0, सो ये हो जाएगा 1 3 0 ऑक्टल में, ओके, एंड देन यहाँ पे 8 + 24 = 32 + 64 64 + 32 यानी कि 8, तो यहाँ पे क्या 0 + 8 × 3 = 24 + 24 + 64 + 64 ओके, तो ये भी करेक्ट है। देन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 88 को 16 से, 16 × 5 = 80 + 8, और कुछ बचा ही नहीं तो 5 8, तो ये अपना आ जाएगा 5 8 16 8 + 80 16 × 5 = 80 + 8, ये तो ये भी करेक्ट है। एक दूसरा नंबर लेते हैं 378 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 2 से, तो 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 पे 7 आएगा तो 2 8 1 आएगा, 1 पे 8 आएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देन 2 से 2 × 9 = 18 + 4, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, देन 2 × 4 कितना हो जाएगा 7 47, देन
नंबर 0, देन 2, 23, देन अगेन डिवाइड करें 2 इंटू 23 इज 46 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, देन 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23 एंड 2 इंटू 5 10 1 इज रिमाइंडर एंड 2 इंटू 2 इज 4 रिमाइंडर इज 1 एंड देन 2 इंटू 2 2 इंटू 1 इज 2 रिमाइंडर इज 0। तो ये अपना आ गया 10 ट्रिक 4 टाइम्स 1 10 11 11 मैन 010 010। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 1 देन 2 4 8 16 24 प्लस 32 सो 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 256 सो 10 14 16 18 10 12 16 18 एंड देन 6 12, 15, 17 and then 3। ओके तो ये नंबर सही है। अब इसको एक ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, देन 378। तो ये अब ऑक्टल में करना है तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 4 32, यहाँ 5 पे 8 आएगा 58, 8 इंटू 7 इज 56। ओके 8 इंटू 7 56, रिमाइंडर आ गया 2 एंड देन अगेन 8 से करेंगे तो 8 इंटू 4 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 47 आ गया एंड देन ओके ये 5 ऑलरेडी 8 से लेस है तो ये 572 आ गया अपना ऑक्टल में। ओके इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 2 प्लस 56 ओके 2 प्लस 58 प्लस 64 इंटू 5 64 इंटू 5 सो हो जाएगा कितना 5 इंटू 4 20 एंड 5 इंटू 6 32 सो 8 5 टू 7 3 ओके सो ये 572 ही करेक्ट है एंड देन अब एग्जैक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करना है 378 को तो 16 इंटू 2 32 5 पे 8 आ गया तो 5 पे 8 58 सो 3 एंड 10 आ गया रिमाइंडर 16 इंटू 3 इज 48 प्लस 10 इज इक्वल टू 58 देन 16 देन 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा 7 1 7 10। सो 10 के लिए क्या यूज करते हैं हेक्साडेसिमल में 1 1 7 a एंड देन 10 तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 इंटू 7 मेरे ख्याल से 112 होगा एंड देन उसके बाद कितना हो जाएगा 256 सो 12 इंटू 2 14 लगता है मिस्टेक है कहीं। ओके यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे 10 ऐड करना यहाँ पे 16 ओके सो 6 2 8 एंड देन 5 इंटू 6 इंटू 7 देन 2 इंटू 3 सॉरी 2 प्लस 1 3 378 तो ये भी सही है। तो इससे मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कितना ईजी है किसी भी डेसिमल नंबर को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। मिली में बाकी कन्वर्जन भी इतना ही इजी लगेगा, कुछ भी यहाँ पे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ कि कैसे भी किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब कोई भी नंबर सिस्टम है जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया या हेक्साडेसिमल, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब कोई भी अगर नंबर दिया है जैसे बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मतलब अदर देन डेसिमल किसी और नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके पहले अभी आप एक नंबर देखो, जैसे कोई भी लेते हैं 378। तो ये नंबर आखिर बना कैसे है? 3 इसके वैल्यू क्या है? 300 है। इसका क्या है? 70 है। और इसका क्या है? 8 है। इस सबको मिला के, क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है यूनिट है, इसका 10th पोजीशन पे और इसका 100th पोजीशन पे। तो हमें क्या करना है कि नंबरिंग करनी है इधर से राइट टू लेफ्ट, 0 0 से स्टार्ट होगा 1 2। और सिंपल टर्म में देखें तो ये क्या है ना कि सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n, और जहाँ पे n जो ये हमने जो वैल्यू दिया सुपर स्क्रिप्ट वाली ये है। तो यानी कि अब क्या है कि ये क्या है कि नंबर यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर n, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस यहाँ पे क्या है फिर दूसरा डिजिट क्या है 7 इंटू 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर 1, प्लस यहाँ पे ये वाली पोजीशन क्या है 8,
इंटू 10 to the power 0। तो अब इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, 10 square 100 plus 3 300 plus 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 is equal to 70 plus 8। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस टेक दे दिया, यहाँ पे 8 into 18 8 plus 70 plus 300 ये 378 हो गया। हम सबको पहले से ये पता है, लेकिन आखिर यहाँ पे मैंने क्यों बताया, इसका एक मेन रीज़न है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे ना कि हम ये नंबर जो यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे हम 10 यूज़ कर रहे हैं। ओके, यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसीलिए 10 यूज़ कर रहे हैं। अगर ये नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल में होता, कोई बोलता कि ये नंबर हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ 10 के बजाय 16 लिख देते, तो ये हमारा इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। जितना सिंपल इधर से उधर कन्वर्ट करना था, उधर से भी इतना ही। अब मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, फिर आपको पता चल जाएगा कितना इजी है। बस आपको अगर कुछ याद रखना है तो ये याद रखना है, नहीं भी याद रखोगे तो खुद पहले से पता होना चाहिए कैसे आएगा। यहाँ पर बस एक नंबरिंग करनी है, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, फिर हो जाएगा। इसमें से कोई एग्जाम्पल लेते हैं ताकि जो भी रिजल्ट आएगा हमें पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। तो ये नंबर लेते हैं 1000 है 10। और ये किस में है, बाइनरी में है। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। ओके, तो ये बाइनरी में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अब क्या करेंगे, एक तो नंबरिंग हमें देना ही है, 0 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे जो डिजिट है ये 1 into, और यहाँ पे जो बेस है इसका 2 to the power n प्लस 0 into, यहाँ पे बेस नंबर सिस्टम जो भी है इसका पावर n। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, तो यहाँ पे 2 into, यहाँ पे n कितना है, 5 हो गया। फिर 0 into 2 to the power, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई। फिर ये वाली 0 है, 0 into 2 to the power कितना है, 3 है। ओके, प्लस यहाँ पे ये 000 हो गया, 1 0 1 2 0 हो गया, ये तीसरा 0 है, 0 into 2 to the power 2 हो गया, प्लस 1 into 2 to the power 1 हो गया, प्लस 0 into 2 to the power 0 हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, 2 to the power 5 कितना होगा, 34, प्लस यहाँ पे 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 में 8 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, देन 0 में 4 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 into 2 2 हो जाएगा, एंड 0 into 1 ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो ये अपना नंबर 34। तो चल गया कि कैसे किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, 22 लेते हैं। ओके, तो हेक्साडेसिमल में है ये। ओके, और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक तो नंबरिंग करेंगे 0 1, देन यहाँ पे ये क्या है, 2 into 16 to the power कितना, 1 यहाँ पे, प्लस 2 डिजिट है, इनटू 16 to the power कितना, 0। यानी कि ये जो भी हमारा नंबर सिस्टम जिसमें है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, 16 into 2 32 प्लस 2 into 16 to the power 0 is equal to 1 2, तो ये आ गया 34। यानी कि वो भी हमें पता चल गया। 17a ये हेक्साडेसिमल में ये लेते हैं, 17a, इसको क्या करेंगे, 0 1 2 0 1 2, देन अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कि 1 1 multiplied by base कितना है, 16 16 into 2 प्लस यहाँ पे क्या है कि डिजिट कितना है, 7 7 into 16 to the power 1 प्लस 10 into, यहाँ पे a है, a into then 16 to the power 0, तो ये क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 into 7 कितना होगा, 7 6 42 4 1 1 2 प्लस ए के वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 10 है, एंड देन 10 into 16 to the power 0 10 into 1 is 10। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 1 6 1 7 एंड देन 2 1 3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 130 लेते हैं, तो 130 इसकी नंबरिंग करेंगे 0 1 2, और ये ऑक्टल में अभी है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे, 1 into 8 to the power 2 प्लस 3 into 8 to the power 1 प्लस 0 into 0 to the power 8 to the power 0
तो ये हो जाएगा 64 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 0 इंटू 1 इज 0, तो ये हो जाएगा 88। ओके तो ये 88, तो ये हो गया। उसके बाद ये 58 4e लेते हैं जो कि हेक्साडेसिमल में है। 4e इसकी नंबरिंग करेंगे 01, देन 4 इंटू हेक्साडेसिमल में इसलिए 16 इंटू पावर 1 एंड देन e इंटू 16 टू द पावर 0, देन 4 इंटू 16 प्लस e का वैल्यू कितना है 14 प्लस 16 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन 64 प्लस 14 इज इक्वल टू 88। ओके दे भी, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना इजी है किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना। आगे बताने से पहले एक अभी तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कोई भी डेसिमल या बाइनरी नंबर को बस देखते ही कुछ ही सेकेंड्स में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मन ही मन में आप वो जो उसका रिजल्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कोई भी बाइनरी नंबर लेते हैं 10010, अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे 0 1 2 4 8 यहाँ पे मतलब 0 1 2 3 करें, फिर 2 इंटू जो भी बाइनरी है बेस टू द पावर जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये क्या होता है ना कि यहाँ पे ये जितने 0 बिट है ना वो ऑफ बिट होता है, ठीक है, और जितने 1 होता है वो ऑन बिट होता है, यानी कि जहाँ जहाँ 0 होता है ना वो वाले प्लेसेस ऐड नहीं होता है और जहाँ पे 1 होता है वो ऐड हो जाता है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो डेसिमल होता है जैसे 3 4 3, ये अगर हमें ऐड करना होगा तो ये कैसे होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 1 होती है, इसकी 10 होती है और इसकी 100 होती है, इसके बाद वाला जो आएगा वैल्यू उसका 1000 होता है। तो फिर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, इसमें कितना होता है बेस 10 होता है। ओके तो अब यहाँ पे जो पहली पोजीशन होती है उसके जो मतलब वैल्यू होता है 1 होता है, नेक्स्ट वाला 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, ताकि हम क्योंकि हम यहाँ पे नंबर सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, देन 100 देन 1000 10000 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये बाइनरी है तो पहला जो वैल्यू है इसकी जो डिजिट है इसकी वैल्यू 1 होती है, नेक्स्ट वाला कितने उसके जो बेस है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर ये है तो इसका कितना 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, इसका डबल 8 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। तो यानी कि जिस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ती है 10 से मल्टीप्लाई होती है, इसके 2 से होती है, अगर यहाँ पे 3 7 2 होता, अगर ये ऑक्टल में है तो इसकी जो है वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, देन ये 8 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, नेक्स्ट वाली की जो वैल्यू है 64 हो जाएगी। अब इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ 0 होता है ना तो वो 0 मल्टीप्लाइड में कुछ भी करेंगे तो 0 ही हो जाता है ना, तो इसलिए जहाँ जहाँ 1 है बस हम उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 16 प्लस 2 यानी कि 18 हो गया फाइनल हमारा डेसिमल नंबर। उसी तरीके से अगर जैसे 1000011 अगर आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 8 16 16 32 64 एंड देन ये जाएगा 128। ओके 1 2 4 8 1 2 4 8 11 एंड देन 16 32 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये इतना हो जाएगा कितना 128 138 139। तो इस तरीके से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप। उसी तरीके से अगर कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एक ये याद करना पड़ेगा, जो नंबर है 1 2 4 इसका जस्ट डबल कितना होगा 4 देन 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। तो यानी कि अगर इतने तक अगर वैल्यू आता है तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप। वैसे इतना तो आएगा नहीं, 100 200 तक ही आएगा, ठीक है, मतलब उतना तक करना इजीली हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया गया है 35, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसका जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है ना वो आपको लेना है, तो ये कौन सा है 32, तो 32 के लिए आप ऑन बिट लिख दोगे, यानी कि 32 ऐड करना है। देन आप देखो 16 को ऐड करना है आपको, अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ऐड नहीं करेंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे 0 लिख देंगे,
जहां पे हमने आए यहाँ पे उसके बाद अब टॉप पे जाना है, देन एट, एट ऐड कर सकते हैं इसमें, हमारा ऑलरेडी ये कितना हो चुका है 32 है, अगर 8 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, हमें 35 रिजल्ट चाहिए, तो वो भी ऐड नहीं करेंगे, यानी कि ऐड 8 के जगह पे भी 0 लिख दिया हमने, देन 4 हम लिखेंगे, 4 अगर ऐड करते हैं 32 में तो वो भी बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि वो भी हमारा 0 हो जाएगा, देन 2 यानी कि 32 प्लस 2 34 यानी कि हाँ वो ऐड करना पड़ेगा, तो 2 के जगह पे हम 1 लिख दिए, यानी कि जिसको ऐड करना है वहाँ पे 1 लिख रहे हैं, देन 1 ऐड करना है वो भी ऐड करना है तो 1, तो ये हो गया अपना 35 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब अगर नंबर लेता हूँ 78, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या हो गया 64, 32 ऐड करेंगे नहीं ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे यस, तो 64 प्लस 16 इतना हो जाएगा 70 हो गया, 70 यहाँ पे हो गया, देन 16 हमने ऐड कर दिया, उसके बाद 8 ऐड करेंगे यस ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया 70 प्लस 8 78, 421, अब तीनों कोई भी ऐड नहीं करना है तो 0 0 0 1, अब यहाँ पे इसको फिर कन्वर्ट करोगे 1 2 4, देन 8 16, ओके 8 16 प्लस 64 यानी कि 24 प्लस 64 यानी कि गलत हो गया लगता है, 1 2 4 8 16 32 64 यानी कि 88 हो रहा है, यानी कि बाइनरी कन्वर्जन गलत हुआ है, यहाँ पे 78 है, तो यानी कि इतना ले लिया 64 लिया, एंड देन 64 के बाद 32 ऐड करना है नहीं ऐड करना है, एंड 16 ऐड करना है 16, ओके 64 यहाँ पे 80 हो जाएगा, ओके तो वो 16 ऐड नहीं करना था, ओके यानी कि 64 ही रहेगा, देन यहाँ पे 8 ऐड करेंगे, तो 8 ऐड किया तो 72, देन प्लस 4 76 प्लस 2 78 प्लस 1 यानी कि नहीं चाहिए तो 0, यानी कि अब ये कन्वर्ट हो गया था, यानी कि 1 2 4 8 2 4 8 यानी कि 14 प्लस 16 32 64 यानी कि 78, तो ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर पर बस नंबर देख के इजीली कैसे माइंड ही में आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसका आप बाइनरी या डेसिमल वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अभी आगे मैं जो बताने वाला हूँ, तो अब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो ये समझने के लिए। तो अभी इसमें मैं बताऊंगा कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल लिख दिया हूँ, यहाँ पे डेसिमल जो वैल्यू है 0 to 7 है और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, फिर डेसिमल वैल्यू यहाँ से मैंने लिखा और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू है यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका जो हेक्साडेसिमल है यहाँ तक तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ के बाद वाला जो वैल्यू है 8 to 8 रहेगा, ये एकदम इजी है इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक रेफरेंस लेने के लिए अभी जो मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ओके तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो डेसिमल है अगर उसको 3 डिजिट में हम लिखते हैं तो यहाँ से हमारा 000 से लेके 111 तक चला जाएगा, यानी कि ऑक्टल में हम 3 डिजिट ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 binary digit यूज़ करते हैं, और hexadecimal में टोटल हमारे पास 16 digit है इसलिए हम 4 यूज़ करते हैं। अब एक binary value लेते हैं 0101001, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ऑक्टल में हम 3 bit का पेयर यूज़ करते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि इसको राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है 3-3 करके, और जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो उसको लेफ्ट वाला मैसेज छोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा आप 0 ऐड कर सकते हो। अब ये क्या हो गया कि हमने पेयर बना दिया 3 का और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको इस टेबल से लेना है, तो अब 001 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, 101 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 0000 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, 0 अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबसे इधर वाला, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 51 ऑक्टल, सिंपल, ओके देन 1000100001, ओके अब इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, तो फिर इसको 3 एम्पियर बनाएंगे 3 का, ये हो गया, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी 1, और ये हो जाएगा 2, 1 2, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2111, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं 1001001101, तो इसका हम पेयर बनाएंगे फिर 3 का, 3 का पेयर बन गया 3 का, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो 0 दे सकते हो, नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2 2 3 5 ऑक्टल में हो गया। और दूसरा एक लेते हैं 1100001100, 3 का पेयर बनाएंगे, देन
तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4, ओके, ये 6 हो जाएगा, देन ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 13 रख के बना दिया था मैंने, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 0 6, तो ये हो जाएगा 3 0 6। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी है। आप देखते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे होगा। तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हम क्या करते थे कि बाइनरी का 3 बिट्स लेके हम उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल वैल्यू फाइंड करते थे। तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक जो ऑक्टल वैल्यू है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट है, उसका हम 3 बिट्स में बाइनरी वैल्यू लिखेंगे। तो आप जैसे एक वैल्यू दिया है 378, ओके, ये हमारा ऑक्टल में दिया है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, ये ऑक्टल में दिया है, तो अभी 3 के लिए हमारा उस टेबल को आप रेफर करोगे, यानी कि एक डिजिट लेना है, एक बिट डिजिट लेना है इसमें ऑक्टल में, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना है, बाइनरी वैल्यू। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 0 1 1, देन 7 के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 1, और 8 के लिए क्या हो जाएगा, ओके, यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये हमारा ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 8 आ गया, ओके, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1 0 1 हो गया, तो ये यहाँ पे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। देन दूसरा नंबर लेते हैं 272, ये ऑक्टल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले 2 के लिए क्या होगा, 0 1 0, 7 के लिए 1 1 1, और इसके लिए 0 1 0। तो ये अभी 2 के लिए आप देखोगे इस टेबल में तो क्या है, 0 1 0, 7 के लिए यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है, और 2 के लिए क्या है, 0 1 0। तो अब फिर एक तीसरा लेते हैं नंबर, यहाँ पे 5 3 4 2 5 3, इतना बड़ा लेते हैं हमने नंबर, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 101, 3 के लिए क्या होगा, 011, 4 के लिए 100, 2 के लिए 010, 5 के लिए 101, 3 के लिए 011। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, 5 के लिए 101, देन 3 के लिए 011, एंड देन 4 के लिए देन 100, एंड देन 2 के लिए 010। ये हो सकता है कहीं पे माइनर मिस्टेक हो जाए, तो आपको बस लॉजिक समझना है, ठीक है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सही कर लेना, मेरा बस ये मोटिव है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी क्लियर है। अब हेक्साडेसिमल देखते हैं। अभी मैंने जितना कुछ बताया अभी तक, अगर आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कहीं भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी आपको कुछ भी याद भी नहीं करना है, फॉर्मूला बस समझना है। तो अभी क्या है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो अगर आप सब अच्छे से समझ चुके हो तो सिंपली गेस कर सकते हो क्या कि इस बार हम क्या करेंगे, 4 का पेयर करेंगे, ओके। तो आप जैसे बाइनरी में हमारा नंबर दिया है 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1, अब ये हमारा बाइनरी में दिया है और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 4 का पेयर हो गया, ये हो गया और ये बच गया, ओके, 4 का पेयर बना देंगे। अब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है हम इसमें फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, 1 2 4 8, यानी कि ये 11 होगा, 11 के लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 0, ये 12 हो जाएगा, 12 के लिए हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या है, 1 1 0 1 1 1 0 1 1, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, 1 1 0 0, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, 0 0 1 0, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, एंड देन 1 बचा तो 1, यानी कि ये 1 2 CB, 1 2 CB इजिली कन्वर्ट कर दिया। फिर अब यहाँ पे लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका फिर हम पेयर बनाएंगे 4 का, ये हेक्साडेसिमल में है तो 4 का पेयर, सॉरी ये बाइनरी में है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 4 का पेयर बन गया और एक ये बच गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1, देन ये भी 1 और देन ये भी 1, यानी 1 1 1, ये हेक्साडेसिमल में हो गया 4 का पेयर, ओके। देन दूसरा एक नंबर लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0, ओके। अब इसको हमें फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने हैं, तो फिर 4 का पेयर बनाया, तो इस बार क्या हो गया, 8 1 2 4 8 2 4 8, 14 हो गया, 14 के लिए ई यूज़ करते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 1 2
फोर एट ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी यूज़ करते हैं, सर ओके। तो यहाँ पे वन वन जीरो, यहाँ पे वन ट्रिपल वन जीरो के लिए ई लिखा, वन ट्रिपल जीरो कहाँ पे, वन ट्रिपल जीरो इसके लिए एट लिख दिया, एंड देन सी के लिए क्या लिखा, वन वन जीरो जीरो। तो ईजिली देख सकते हो आप कि कोई भी अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो कितना आसान है। अब इसका जस्ट अपोजिट देखना है, यानी कि अब कोई भी हेक्साडेसिमल है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो सिंपली अब हर एक डिजिट को जो है लेंगे और उसका फोर बिट्स में हम बाइनरी लिख देंगे। तो एक नंबर लेता हूँ ये, जैसे 74E, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 7 का फोर बिट्स में हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू लिखेंगे, तो क्या होगा 011, देन 4 के लिए क्या होगा 0100, और ई के लिए क्या होगा 14, है तो 8 4 12 2 14, ये 0, यानी कि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं, तो 7 के लिए क्या 010110, यानी 7 के लिए 0, ओके 7 के लिए यहाँ पे मैंने टेबल लगता है मिस्टेक गलती लिख दिया था, ओके यहाँ पे ये 111 रहेगा, एंड देन उसके बाद 4 के लिए 0100, एंड देन ई के लिए यहाँ पे 111 0, ओके। अभी एक दूसरा नंबर लेते हैं 75EA, ये हेक्साडेसिमल में, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं। तो 7 के लिए अगेन 0111, 5 के लिए 0101, ई के लिए 1110 8 4 12 2, ई के लिए है ना, हाँ, एंड देन ए के लिए 10 8 4 2 0। तो ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्ट। और एग्जांपल लेना है 787EA, इसको कन्वर्ट करना था, 8 के लिए क्या हो जाएगा 00, 7 के लिए 011, देन ई के लिए 1110, देन ए के लिए 1010, तो ये हो गया बाइनरी में। 8 के लिए 1000, एंड देन 7 के लिए 0111 2 4, एंड देन 7 के बाद ई के लिए 1000, एंड देन ए के लिए 1010। तो इतना इजी है किसी भी नंबर सिस्टम को किसी और में कन्वर्ट करना। अभी एक जो लास्ट बच रहा है वो ये होगा कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी भी एक नंबर सिस्टम को एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो जो हेक्साडेसिमल है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उसको रिजल्ट जो है ऑक्टल में कर लो, या फिर जो हेक्साडेसिमल वैल्यू उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर ऑक्टल में कर लो। तो जो सबसे आसान जो तरीका होगा ना वो बाइनरी में कन्वर्ट करना, यानी कि यहाँ पे एक तीसरा नंबर सिस्टम हमें यूज़ करना पड़ेगा एज ए इंटरमीडिएट, एंड देन उसका जो रिजल्ट आएगा हम उससे कन्वर्ट करेंगे फाइनल रिजल्ट में। बाइनरी यूज करने से ये फायदा होगा कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक नंबर लेते हैं FF, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ भी ये क्या है हेक्साडेसिमल है, ओके, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में करेंगे और देन इसको ऑक्टल में करेंगे। तो F के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा 1111, एंड देन F के लिए 1111, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब F के लिए अब इसको हम क्या करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे 3 का हम पेयर बना लेंगे, तो ये फिर इसका हम उस टेबल से रेफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 7 1 2 3, और ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ओके। दूसरा लेते हैं 7EFAB, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, तो यहाँ पे जो 7 है तो अभी इसको बाइनरी में लिखेंगे, तो 0111 हेक्साडेसिमल में, यहाँ पे 7 में हमारा क्या होगा 3111, यहाँ पे आप देखोगे 7 में, तो वही यहाँ पे मैं 4 डिजिट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में, इस बात को आप मत भूलना, कहीं कई बार इससे मतलब माइनर मिस्टेक है और कन्फ्यूजन हो जाती है और जिसके चलते गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमेशा हेक्साडेसिमल में आपको 4 बिट्स यूज़ करना ही करना है। देन ई है यानी कि 14 8 4 1, देन 0, एफ है 1111, एंड देन ए है तो 8 2 10, देन 0, बी है, बी का कितना है 11 है, तो 1 8 then 0 1 0 1 1, करेक्ट। अब ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल में, तो उसके लिए क्या करेंगे 3 का पेयर हम बना लेंगे, देन
ओके तो ये आज जो पेयर बन गया तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका 5 हो जाएगा, देन इसका 6 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, देन 6 हो जाएगा एंड देन 7 एंड देन 1। ओके एक और नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया ए बी डी 7, ये हेक्साडेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करने हैं हमें ऑक्टल में, तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हेक्साडेसिमल में ए ए के लिए क्या लिखेंगे 1010, बी के लिए क्या लिखेंगे 1011 एंड देन डी के लिए 11, डी कितना आता है 13 होता है 1841 एंड देन 7 के लिए 011। ओके तो ए के लिए क्या होगा 1010, बी के लिए क्या होगा 1011 एंड डी के लिए क्या होगा 1101 एंड 7 के लिए 0111। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे यहाँ से 3 का पेयर एंड देन ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा 7 देन 2 देन 7 देन 5 देन 2 देन 1, तो ये जो हो जाएगा 1 2 5 7 2 7, ये हमारा ऑक्टल में हो गया। एक और नंबर लेते हैं 3FC, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल में पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ऑक्टल में करेंगे। तो इसके लिए 3 के लिए क्या लिखेंगे 010011, F के लिए 1111 एंड C के लिए, C कितना है 12 है 1100। ओके अब ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो फिर इसको क्या करेंगे ऑक्टल में करने के लिए 3 का पेयर बना लेंगे। ओके तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ओके ये 7 देन 7 1 यानी कि 1774। तो ये इतना इजी है किसी भी हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, बस एक हम अगर बाइनरी लेते हैं, अगर बाइनरी ना लेके अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा, तो बेहतर यही रहेगा कि पहले बाइनरी में आप कन्वर्ट करो एंड देन उसके बाद जो है ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए अप्रोच हमारा सेम रहेगा, तो इस बार क्या करेंगे कि ऑक्टल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे 8543, यहाँ इसको 6 करता हूँ क्योंकि ऑक्टल नंबर लेना है, ठीक है ये ऑक्टल दिया है और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसको हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा एंड देन फिर हेक्साडेसिमल में। तो इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 6 का क्या होगा 0110, 5 का क्या होगा 101, 4 का 100, 3 का 011, तो ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि 4 नंबर का पेयर बनाएंगे, ओके और फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देंगे। ओके तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या होगा 6 हो जाएगा एंड इसका 1248 यानी कि 13 हो जाएगा, 4 यानी कि 13, और 13 के लिए क्या यूज़ करते हैं D63, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा D63 इन हेक्साडेसिमल यानी कि ये ऑक्टल इसमें कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 7234, ये ऑक्टल में दिया है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले बाइनरी में करेंगे एंड देन फिर हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे 7 के लिए क्या लिखेंगे 111010, 3 के लिए 011, 4 के लिए 100, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसको फिर हेक्साडेसिमल में करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 का हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका 11248 यानी कि 14 हो जाएगा, 14 के लिए ई हो जाएगा और ये इसका वैल्यू कितना होगा 124, ये 9 हो गया, ठीक है और इसका क्या 12 हो गया, 12 के लिए क्या होगा सी हो गया यानी कि ई नाइन सी हेक्साडेसिमल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कितना ये जस्ट फ्यू सेकेंड्स में आप किसी भी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में या किसी भी हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी तक मैंने जितना कुछ बताया मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मतलब आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत है या कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, बस आपको समझना है कि कैसे
नंबर कन्वर्ट होता है एक से दूसरे में। तो अगर अभी तक आपको समझ में आ गया है यहाँ तक, तो डेफिनेटली आगे कोई इश्यू नहीं होगा। अगर अभी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप दोबारा से एक बार वीडियो को देखो, और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता तो कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और डिटेल में मैं बता सकता हूँ, बट कोशिश करो आप एक दो बार देख लो तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, मैंने बताने के लिए तो सारा पूरा बता दिया, लेकिन फिर उनको दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, कौन सा चीज़ें सारी मेस्डअप हो गई होंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि सारा जितना चीज़ बताया उसको एक समराइज वे में यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो ताकि आगे मतलब जब भी जरूरत पड़े आप उस नोट को रेफर कर सकते हो, कि ताकि कोई भी इशू नहीं रहेगा। समरी, तो समरी में क्या है कि जैसे अगर कोई भी नंबर सिस्टम है, अगर आप देखोगे डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता है, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना वो भी आता है, लेकिन हमने एक जो तरीका यूज किया कि बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, तो हम कहीं ना कहीं मिडिल में हम बाइनरी यूज करते थे, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये सबसे बेहतर एक सॉल्यूशन होगा कि कैलकुलेशन एकदम कम से कम हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर आपको उसको किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, और उसके बाद आपको जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना है आप उसमें कर सकते हो। तो पॉइंट एक ये मैं हो सकता है जो कि एकदम जनरल रूल आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, ओके। और वो ये है कि कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी, कोई भी नंबर दिया होगा उसको पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, अगर बाइनरी में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट इट इनटू फाइनल नंबर सिस्टम। एक पॉइंट और यहाँ पे आपको मेंशन करना है जो सब टॉपिक कि कहीं भी अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम रहेगा तो इसके लिए 3 bits इन बाइनरी यूज होगा, अगर ये हेक्साडेसिमल है तो हम हमेशा हमेशा कभी भी मतलब चाहे वो 0-1 ही क्यों ना 4 bits इन बाइनरी यूज करेंगे। तो आप जैसे एक डेसिमल नंबर दिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो देखो जैसे ये रूल अप्लाई होता है कि नहीं, तो यहाँ पे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करते जाएंगे काम खत्म। डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या 3 का पेयर बनाएंगे, वो बन गया, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल डेसिमल में करना है, तो इसका डेसिमल है ऑलरेडी हमारे पास बाइनरी है, तो उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 bits का पेयर बना के। अब अगर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑक्टल नंबर दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक हमारा 10 के फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो जो हम ऑक्टल में भी हमने लिखा तो 3 digits यूज़ किया, ओके। तो फिर अब वो जितने सारे हमारे बाइनरी नंबर आ गए उन सबका हम 4 का पेयर बनाएंगे, और फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये टेबल फॉलो कर सकते हैं और उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर है कि हेक्साडेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और 4 bits के पेयर में लिख लेंगे, और फिर उसका हम 3 वाला पेयर बना लेंगे, और फिर उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा वो ऑक्टल में लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये रूल हर जगह अप्लीकेबल है, और इसके थ्रू आप कोई भी नंबर सिस्टम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, बस इसके लिए आपको एक ही चीज़ आना चाहिए, और वो ये है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आना चाहिए। डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करने आ गया तो फिर और कुछ सीखना ही नहीं आपको, मतलब सब कुछ एकदम ईजी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी डेसिमल नंबर अगर है और उसको हमें किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बस एक समरी है टू कन्वर्ट टारगेट नंबर सिस्टम। इसके लिए क्या करेंगे कि जो नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे विद द बेस ऑफ टारगेट नंबर सिस्टम एंड देन राइट द रिमाइंडर रिवर्स ऑर्डर, ओके। जो हमने डिवाइड किया था कोई भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल में करना है 8 से किया था, हेक्साडेसिमल में करना था 16 से, तो सेम वही है, डिवाइड द नंबर विद द बेस, जो भी हमारा बेस रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर रहेगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी नंबर सिस्टम दिया है अदर देन डेसिमल और उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, टू कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम अदर देन डेसिमल टू डेसिमल
नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या करेंगे कि जो भी गिवन नंबर है उसके ऊपर हमने सुपर स्क्रिप्ट जो नंबर लिखा था जीरो से लेकर वो लिखेंगे, राइट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यहाँ पे एज ए सुपर स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, यानी कि यहाँ पे जो से नंबर दिया है 3, 2, 5, तो इसका हमें 0, 1, 2 ऐसे करके राइट टू लेफ्ट हम लिखते जाएंगे। एंड देन उसके बाद अगर देखो तो आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो, D1 जो फर्स्ट डिजिट है मल्टीप्लाइड बाई बेस और बेस टू द पावर n, और जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है ये नंबर, प्लस D2 मल्टीप्लाइड बाई बेस एंड देन इसका टू द पावर n माइनस 1 जो भी होगा प्लस डैश डैश डैश, ये अपना हो जाएगा। तो यानी कि इससे क्या होगा, कोई भी नंबर सिस्टम जो होगा अदर देन डेसिमल में उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया उसका समरी ये बस 3 पॉइंट में कवर हो गया, और मोर अप्रोप्रिएट होगा कि एक ही पॉइंट में हो गया जो जनरल सॉल्यूशन मैंने बताया, फिर भी आप ये यूज कर सकते हो। तो बस 3 पॉइंट अगर आपको ये क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने में कहीं भी कोई इश्यू होगा। ओके।